उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। जंगलों के बीच बने वर्षों पुराने इस कृष्ण मंदिर में आकर्षक श्रृंगार अद्भुत नजर आ रहा था। साल में एक बार खुलने वाले इस मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने आलकी की पालकी जय कन्हैया लालकी के जयकारे लगाए। देखिए खास रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच स्थित सदियों पुराने किले एवं राम जानकी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अद्भुत श्रृंगार किया गया। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत वादियाँ, घास के बड़े बड़े मैदान और चारों ओर फैली हरियाली, इन सब के बीच मनाए जाने वाले जन्माष्टमी पर्व के बारे में। जी हाँ, शहडोल संभाग में उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर पार्क में, जो कि देश का गौरव भी है, यहाँ लगता है साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शानदार मेला। विशाल मेले की परंपरा आज भी कायम है। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी पर ही किले का रास्ता एवं राम जानकी मंदिर आम जनता एवं श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है, जिसके चलते पार्क प्रबंधन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मीडिया से चर्चा में मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह मंदिर 10वीं शताब्दी का बना है और रमणीय वातावरण और प्रकृति के सौंदर्य के बीच यह अनूठा नजारा देखने के लिए लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। पुरानी आस्था 10वीं शताब्दी की बनी है और काफी 10वीं शताब्दी से लोग आगे मनी अच्छी आस्था है, लोग अच्छे श्रद्धा से आते हैं। वही रीवा रियासत से जुड़े पुष्पराज सिंह ने मंदिर से जुड़े इतिहास की जानकारी दी, मंदिर के प्राचीन महत्व को बताया। इसका जो महत्व रहा है, यूं तो देखा जाए तो ये राम का गढ़ रहा, राम भगवान ने उसको ट्रांसफर करा लक्ष्मण जी को, लेकिन जिसको कहते हैं कि जहाँ कृष्ण वही राम, जैसे राम वैसे ही कृष्ण, आज का पर्व बहुत सारे लोग यहाँ, जो खास तौर से हमारे गांव के लोग आते हैं, जो गांव के हमारे आदिवासी आते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। और इस बार देख रहे हैं कि लोगों के अंदर उल्लास है, दर्शन करने के बाद एक संतोष और खुशी है, उसके लिए मैं यहाँ के प्रबंधन को साधुवाद देता हूँ। इतिहासकार रविशंकर तिवारी ने बताया कि भगवान बंधवाधीश के नाम से विख्यात मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लाखों भक्त आते हैं। मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में बघेल राजवंश द्वारा कराई गई थी। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और श्री राम जानकी जी का मंदिर है, जिसमें प्रमुख देवता यहाँ श्री राम के भाई लक्ष्मण जी को यहाँ का प्रमुख देवता माना जाता है। पुरानी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, इन सब के बीच में यहाँ का एक अपना पुरातन महत्व है। और बांधवगढ़ इस दौरान साल में एक बार खोला जाता है, यहाँ पे ये जो मंदिर है साल में एक बार खुलता है श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के अवसर पर, और यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। हमारे बांधवाधीश महाराज दिव्यराज सिंह जी, यहाँ पे जो युवराज हैं, वो आते हैं और उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की। और ये जो पूरे श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पे आसपास के गांव से आते हैं, दूसरे राज्यों से भी आते हैं, इसका एक अपना बड़ा महत्व है और लोग बड़ी श्रद्धा से इस मंदिर में आकर पूजा करते हैं। और यहाँ का जो मनोरम दृश्य है आसपास, ये क्योंकि पहाड़ी पे बना हुआ है तो यहाँ आके बिल्कुल ऐसा महसूस होता है, और मुझे लगता है कम से कम हम काफी ऊंचाई पे रहते हैं, यहाँ से सामने का नजारा ही बहुत अच्छा रहता है, पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। कुल मिलाकर खूबसूरत वादियाँ, घास के बड़े बड़े मैदान,
हरियाली की चादर ओढ़े घने जंगल, इन सब के बीच जन्माष्टमी त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उमरिया।